हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद पहुंचे। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने देश के विभाजन और आतंकवाद का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराते हुए कई सवाल खड़े किए। योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर के अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के पिछले सरकार पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनके राज में भू माफिया सक्रिय थे, भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। सुनिए आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। होना ये चाहिए था कि देश जब गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था, विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या है ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है।